60 और 70 के दशक में एक ट्रेस साधना हिंदी सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम थी। साधना को मेरा साया, आरजू, एक फूल दो माली, लव इन शिमला, वक और वो कौन थी जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उस दौर में साधना का हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ था कि उसका नाम ही साधना कट पड़ गया था। 2 सितंबर 1941 को जन्मी साधना के बारे में जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। साधना का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ बसा। साधना के पिता को एक ट्रेस साधना बोस पसंद थी, इसलिए अपनी बेटी का नाम भी उन्होंने साधना ही रखा। उन्होंने 8 साल तक अपनी पढ़ाई घर पर ही की थी। कम ही लोगों को पता है कि साधना का कपूर खानदान से रिश्ता था। साधना के पिता और एक्ट्रेस बबीता के पिता हरी शिवदासानी सगे भाई थे। इस तरह देखें तो साधना बबीता की बेटियों करीना और करिश्मा की आंटी थीं। साधना ने महज 14 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में एक गाना मुड़ के न देख के कोरस में साधना थी। इसके बाद उन्होंने 16 साल की उम्र में सिंधी फिल्म अबाना में लीड रोल में काम किया। इस फिल्म के लिए उन्हें केवल 1 रुपए का टोकन अमाउंट मिला था। इस फिल्म के बाद एक मैगजीन में साधना की तस्वीर छपी। तब के मशहूर प्रोड्यूसर सशाधर मुखर्जी ने वो तस्वीर देखी और साधना को पहला मौका अपनी फिल्म लव इन शिमला में दिया। फिल्म के डायरेक्टर आरके नय्यर को साधना का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। नय्यर को साधना का माथा बहुत बड़ा लगा। उन्होंने हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न की तरह साधना का हेयर स्टाइल करवा दिया और माथा छुपाने के लिए आगे के बालों को माथे पर बिखेर दिया। बाद में साधना की यही हेयर स्टाइल उनकी पहचान बन गई। साधना ने अपनी ज्यादातर फिल्मों के डायरेक्टर आरके नय्यर से प्यार हो जाने के बाद मार्च 1966 में शादी कर ली। साधना के माता पिता इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि नय्यर उनसे उम्र में काफी बड़े थे। दोनों के कोई संतान नहीं थी। शादी के बाद साधना ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था। वो बड़ी उम्र के किरदार पर्दे पर नहीं निभाना चाहती थी। साधना चाहती थी कि लोग हमेशा उनकी खूबसूरती को याद रखें। साधना लक्स साबुन की शुरुआती मॉडल थी। साधना अपने जमाने में सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाली एक्ट्रेस थी। 60 के दशक में उनके बराबर मेहनताना केवल वैजयंती माला को दिया जाता था, जबकि दूसरे नंबर पर एक्ट्रेस नंदा थी। 1995 में पति के निधन के बाद साधना अकेले रह गई थी। आखिरी दिनों में वो मुंबई के एक पुराने बंगले में किराए पर रहती थी। यह बंगला आशा भोसले का था। साधना को थायराइड की बीमारी हो गई थी, जिससे उनकी आंखों पर भी असर पड़ने लग गया था। अपने अंतिम दिनों में भी साधना गुमनामी जैसी जिंदगी में ही रही। उनका कोई अपना करीबी नहीं था और गिरती सेहत व बाकी कानूनी कामों को संभाल नहीं पा रही थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। खुद इसका खुलासा साधना की खास दोस्त और हीरोइन तबसुम ने 2015 में दिए एक इंटरव्यू में किया था। आखिरकार 25 दिसंबर 2015 को मुंबई में साधना का निधन हो गया।